छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल द्वारा शपथ ले ली गई है। भूपेश बघेल के बारे में यह कहा जाता है कि वे कांग्रेस के सूत्रधार रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए भारी संघर्ष किया। उन्होंने चुनाव से पहले कई वादे किए थे, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा और धान का न्यूनतम मूल्य 2500 रुपए रखा जाएगा। इसी तरह से मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपए करने का भी वादा किया था। घरेलू बिजली बिल की दर को आधा करने, शहरी और ग्रामीण परिवारों को आवास सुरक्षा के साथ ही सभी वर्ग के लोगों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति माह 35 किलो चावल देने का वादा किया गया था। 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा और बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया गया था। अब सवाल इस बात का है कि आज उन्होंने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की। देखने वाली बात अब यही होगी कि जो उन्होंने समाज के अलग अलग वर्ग से वादे किए हैं, उन वादों को वह कब पूरा करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो वादे पूरे करने की शुरुआत हो चुकी है। आज कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में किसानों के कर्जे माफ करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। अब छत्तीसगढ़ के लोगों की निगाह भी भूपेश बघेल और कांग्रेस द्वारा किए गए वादों पर लगी है कि इन वादों पर कब अमल होता है।